आप जो है एक आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे आए हैं, किसी पैनल में जगह नहीं मिली या फिर इसके पीछे वजह क्या है? चेहरे अच्छे नहीं, जो करेक्टर अच्छे होंगे उन्हें चुनना है। आपका रेड क्रॉस में जाने का मकसद क्या है? समाज के सारे बुद्धिजीवी लोग, समर्पित लोग को आगे आना चाहिए रेड क्रॉस में, और सेवा भाव से जुड़ना चाहिए, कार्य करना चाहिए। अगर आप चुने जाते हैं तो फिर आपका चेयरमैन कौन होगा? मतदाता से यह अपील करेंगे कि वैसे लोगों को चिन्हित करें जिन लोगों के अंदर सेवा की भावना हो, जो कुछ देना चाहते हों उनको ले आए, लेने वालों को इसे दूर रखें। कैसे चेहरे हैं जो जिन्हें आप अच्छे कैरेक्टर के मानते हैं? कोई ज़रूरी नहीं कि सारे लोगों का सोच ये हो कि हम सेवा जाकर, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनकी सोच होगी कि हम जाएं तो उसमें हमें कुछ फ़ायदा हो, इकोनॉमिकली कुछ उगाही हो, हमारी रोजी रोटी चले, ऐसे लोग भी हो सकते हैं। कुछ देने के लिए आएंगे और कुछ लोग कुछ लेने के लिए भी आएंगे। आपका विज़न क्या है, किस रूप में देखना चाहते हैं रेड क्रॉस को? हम वैसे लोगों को यहाँ देखना चाहेंगे, लाना चाहेंगे जी, जो लोग संस्था के लिए काम करें जी, संस्था को कुछ दें, संस्था से कुछ लें नहीं। जितने सारे जो सदस्य हैं वो डॉक्टर एम यू अख्तर को क्यों वोट करें जी? मैं स्वतंत्र ही लड़ूंगा और उम्मीद है कि लोग सच्चाई को समझेंगे।